वेलकम टू डिस्पूल ऑल ब्रेक ट्यूटोरियल वीडियो। पहले हम स्ट्रेट पैटर्न से शुरू करूँगा। सिंगापुर और बॉम्बे कोई फ़र्क नहीं है, सेम है ये स्ट्रेट पैटर्न। लेफ्ट साइड से ब्रेकिंग, राइट साइड से भी ब्रेकिंग। ये लेफ्ट साइड ब्रेकिंग करने के लिए ओपनर का पक्स का नीचे हिट करने का टाइम है, हमारा पक्स में भी ये रेड लाइन जैसा हिट हमारे पक्स में भी मिलने तरह ऐसा एम करना है। पहले ओपनर का, फिर हम कभी ऐसा हिट ऑटोमेटिकली मिलने तरह एम करना है। ऐसा देखो कैसे, ये विदाउट सूम से भी देखो। दोस्तों ये सेम पैटर्न राइट साइड से कैसे ब्रेक करें वो मैं क्लोजअप सूम से दिखाऊंगा। ये ठीक से देख रहे हैं, यहाँ पर एम करना है ओपनर का पक्ष में, पहले हिट मिलना है, इसके बाद हमारा पक्ष में भी ऑटोमेटिकली मिलने जैसा स्ट्राइकर ऐसा एम करना है। देखो ये ब्रेक करने के लिए स्ट्राइकर प्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। और एक बात याद रखना, यहाँ देखो ये सर्कल ओपनर का ये पक्ष है ना, वहाँ पर हमारा एम पोजीशन करेक्ट आने चाहिए। ओके नेक्स्ट पैटर्न देख लो, ये सेमी राइट साइड पैटर्न है। ये डिफरेंस मैं दिखाऊँ, पहला पैटर्न स्ट्रेट पैटर्न, सेमी पैटर्न स्ट्रेट पैटर्न, सेमी पैटर्न। ये कैसे ब्रेक करूँ, ये ओपनर का पक्स का नीचे हिट करने के टाइम है, हमारे पक्स में ऐसा ऑटोमेटिकली मिलने तरह एम करना है। देखो ऐसा ब्रेक करना है। ओके गाइस, नेचुरल एंगल से भी देखो बिना सूम से। दिस पुल का पैटर्न डिफरेंट है, वो कैरम्स फ्री स्टाइल का जैसा नहीं है, रेड नहीं है। रेड नहीं तो सेंटर में खाली है ना, तो टाइट नहीं मिलेगा। ये अगला पैटर्न देखो, पहला पैटर्न से इतना डिफरेंस है, थोड़ा और राइट पैटर्न है। देखो डिफरेंस, ये पैटर्न में ब्रेकिंग कैसे होता है, ये चार सेट पक्स देखो। ये पक्स में हम जो हिट करेगा ना, वो चारों भी हमारा पक्स के स्लाइस करके पोट हो जाएगा। देखो ये फंक्शन कैसे होता है, जब हम हिट करें ये सात, ये चारों पक्स ऊपर से हमारे पक्स को स्लाइस करके पोट हो जाएगा। अगला पैटर्न देखो, ये और राइट साइड से स्टैंडर्ड पैटर्न है। ये पैटर्न ब्रेकिंग करने के लिए स्ट्राइकर लेफ्ट साइड से इस तरह प्लेस करके हमारा पक्स है ना, पक्स का साइड से जस्ट हिट लाइक दिस। ओके पहले जैसा ये सेम पैटर्न है, थोड़ा लगे तो ये साइड से ये ओपनर का पक्स में हिट करके ये ब्रेक करना है ऐसे। ओके विदाउट सूम से भी देखो, ये थोड़ा और राइट साइड पैटर्न है। ये ब्रेक करने के लिए स्ट्राइकर यहाँ प्लेस करना, एज में प्लेस मत करना, नहीं तो सीधा फॉल हो जाएगा। ये थोड़ा और भी स्लैंडर्ड है राइट साइड से, ये ऐसे ब्रेक करके दिखाऊंगा। ये भी देख लो, ये पहले जैसा पैटर्न है, ये ऐसे भी ब्रेक होता है। देखो कैसे करना है, हमारा पक्स का साइड में हिट करना है ऐसा। ये सेम पैटर्न ऐसे भी ब्रेक होता है। देखो ये नेक्स्ट आने वाला पैटर्न है, डिस्पूल का सबसे टफेस्ट पैटर्न। ये पैटर्न कभी स्ट्रेट ब्रेक नहीं होता है, ऐसा टच करके दोनों पक्ष से निकालना पड़ेगा सेफली। ये मिनिमम फोर्स में ये रिवर्स हिट करके दोनों पक्ष निकालना पड़ेगा, तो ओपोनेंट को कुछ भी नहीं करने को चांस नहीं मिलेगा। देखो राइट साइड का सारा पैटर्न हम सीख लिया, अभी लेफ्ट साइड शुरू करूँगा। लेफ्ट साइड का स्ट्रेट पैटर्न सिंगापुर से शुरुआत में किया, ये सेमी पैटर्न है। लेफ्ट साइड कैसे ब्रेक करना है, ओपोनेंट का पक्ष में ऐसा हिट करना, ये सेम पैटर्न है पहले जैसा। ये कैसे ब्रेक करूँ, अनदर स्टाइल ऑफ ब्रेकिंग सिखाऊंगा। ये लास्ट पक्ष है ना हमारा, उसका साइड में ऐसा हिट करना है। ये स्लाइट लेफ्ट साइड स्लैंडर्ड पैटर्न है, ऐसा ब्रेक करना सबको आता होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड, अगर मेरा ये वीडियो सबको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ट्रिक एंड टिप्स वीडियोज़।